और देखिए यूपी में मानसून की बारिश के रफ्तार पकड़ते से ही नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कई नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं, जहां पर वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज में तो गंगा का जलस्तर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। वाराणसी में बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए नावों को संचालित नहीं करने के निर्देश हैं। कानपुर में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से गंगा बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं। यही नहीं, गोंडा में घाघरा नदी भी खतरे निशान तक पहुंच चुकी है और इस नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं, ऐसी मुनादी भी कराई गई है। तो कई नदियां हैं जो खतरे के निशान के करीब बताई जा रही हैं, ऐसे में प्रशासन सतर्क है। अगर गंगा की बात करें तो चाहे वाराणसी हो या कानपुर, दोनों ही जगह पर बारीकी से मेजर किया जा रहा है गंगा के जल स्तर को। हमारे दो सहयोगी गंगा के जल स्तर पर लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, इसीलिए वाराणसी से रुक करेंगे नीतीश पांडे का और कानपुर से हैं रतीश त्रिवेदी। और चलिए गंगा घाट की स्थिति की अगर बात करें तो नीतीश, अभी तो नावों के संचालन को बंद करने का निर्देश कब से दिया गया है, क्या स्थिति है अभी? पूरी तरह से निर्देश का पालन हो रहा है और नौका का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आपको आप देखें, यहाँ पर जो नौका कभी गंगा की धारा में अटकेलियाँ करती थी वो पूरी तरह से यहाँ पर किनारे पर खड़ी आपको दिखाई देंगी। और जल के बढ़ाव की स्थिति देखिए आप, जो घाट यहाँ पर लोगों के लिए यहाँ पर आकर्षण का केंद्र थे वो सब कुछ जल में विलीन होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये पानी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि ये जल का स्तर लगातार बढ़ रहा है। चाहे वो किनारे के मंदिर हों, घाट हो या फिर सीढ़ियां हो, सब कुछ जल में विलीन हो चुका है। अब देखिए दशाश्वमेध घाट का दृश्य है और ये हनुमान मंदिर आपके सामने है और देखिए यहाँ पर ये पूरी तरह से जल में विलीन। सामने अगर देखिए प्रयाग घाट है और इस जो प्रयाग घाट है पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। 84 घाटों का आपसी संपर्क पूरी तरह से बाधित हो चुका है और जो मणिकर्णिका घाट पर शवदाह की स्थिति थी वो भी अब प्रभावित होती नजर आ रही है। तो बनारस में चूंकि कहा जाता है कि यहाँ पर जो आवागमन के साधन अगर यूज न करें तो आप घाट से घाट एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, तो लोग अब गलियों का सहारा ले रहे हैं। दूसरी ओर जो शवदाह की यहाँ की परंपरा है तो घाट के ऊपर जब पानी आया हुआ है तो शवदाह भी प्रभावित हो रहा है, लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है शवदाह के लिए। हर ओर आपको जल ही जल दिखाई देगा, ये जल की धारा तेज है और उम्मीद है कि अभी जो जल बढ़ाव है वो अपना विकराल रूप ले सकता है। देखिए चारों तरफ आपको, देखिए हर तरफ आपको जल ही जल दिखाई देगा और ये जल परेशानियों का कारण है। आम जनता जो कि घाट से घाट का रास्ता तय करती थी अब किनारे से गलियों से जा रही है, ऊपर के तरफ गलियों का सहारा है और जो पुरोहित हैं, जो यहाँ के नाविक हैं, वो सभी इस वक्त कहीं ना कहीं बेरोजगार हो चुके हैं। पुरोहिती का जो व्यवसाय है, अगर जैसे अगर बात करें तो 150 से 200 लोग जो पूरे घाटों पर अपना पुरोहिती का व्यवसाय चलाते हैं वो ऊपर की ओर ठौर लिए हैं, लेकिन जगह कम पड़ने की वजह से कुछ लोगों ने अपना पुरोहिती का व्यवसाय छोड़ भी दिया है, वो घरों पे जाके बैठे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए दिखाई दे रहा है कि अनाउंसमेंट लगातार हो रही है, जो लोग नहा धो रहे हैं, घाट पर मौजूद हैं, उन्हें भी सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशासन की चुनौतियां भी बड़ी हैं और जो लोगों की रोजी रोटी इसी पर निर्भर करती है उनके लिए भी ये वक्त मुश्किल है। रतीश का रुख करते हैं क्योंकि यहाँ पर गंगा बैराज के 30 गेट खोलने की खबर आ रही है। रतीश, और इससे कितनी सिचुएशन कंट्रोल हो रही है, आने वाले वक्त को लेकर किस तरीके की तैयारी? बिल्कुल, देखिए पहाड़ों पर और आपको मैदानी इलाकों में जितनी बारिश हो रही है उसके बाद ये लाजमी हो जाता है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, अपने सहयोगी पंकज से कहूंगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं। गंगा बैराज पर ये मौजूद हैं और गंगा बैराज शहर का, कानपुर का टूरिस्ट पॉइंट कहा जाता है। यहाँ 30 गेट हैं जो गंगा के प्रवाह को रोकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से गंगा को आगे बढ़ाया जाता है शहर की जलापूर्ति के लिए। लेकिन अब हाल ये हो गया है कि 30 गेट जो हैं वो 30 के 30 गेट खोल दिए गए हैं क्योंकि प्रवाह काफ़ी ज़्यादा है और पीछे से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर बात की जाए नरोरा से तो नरोरा से कल 46,000 क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ा गया है, हरिद्वार से 62,000 से ज़्यादा क्यूसेक का पानी छोड़ा गया है और ये पानी 1 से 2 दिन में कानपुर पहुंचता है और उसके बाद और ज़्यादा जलस्तर में बढ़ोतरी होगी। अगर जलस्तर की बात की जाए तो 112.80 अपस्ट्रीम में गंगा बैराज का ये मानक निकल करके आया है और ये आंकड़ा है जो बता रहा है कि लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कल शाम को ही ये 112.50 के आसपास था और अब की अगर बात की जाए, सुबह की अगर बात की जाए तो 112.80 के आसपास ये पहुंच चुका है।
गंगा बैराज के 300 गेट खोले गए हैं और 300 गेट खोलने का मतलब है कि और ज्यादा तेजी से गंगा का जल आगे बढ़ रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए तो नौका का संचालन यहां पर प्रतिबंधित नहीं किया गया है, लेकिन जो गंगा कटरी के गांव है वहां जिला प्रशासन ने जरूर एडवाइजरी दी है। मंगलपुरवा है, चैनपुरवा है, मऊ खेड़वा है, लदवा खेड़वा है, ये तमाम ऐसे गाँव है जहाँ के गाँव वालों को अब सतर्कता बरतने की बात कही गई है। और ये तमाम अब ये कहा गया है कि गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ेगा क्योंकि पीछे से काफी ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। हम खुद देख रहे हैं, हम यहाँ पर आते हैं, रोज आते हैं तो देखते हैं कि इतना जल स्तर नहीं बढ़ा हुआ था, लेकिन अब देख रहे हैं कि लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, काफी तेजी से आगे हो रहा है। और 30 गेट खुल जाने का मतलब ही होता है कि गंगा का जल काफी तेजी से बढ़ रहा है, उसके प्रवाह को ना रोका जाए और जिस तरह से गंगा का फ्लो है उसको आगे बढ़ने दिया जाए। यानी गंगा का जल स्तर तो बढ़ ही रहा है, गंगा का चेतावनी बिंदु जो है अभी चेतावनी बिंदु से अगर ये जल स्तर और बढ़ता है तो आने वाले कौन कौन से क्षेत्रों में जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर क्या सतर्कता बरती जा रही है। नीतीश, रतीश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गंगा के ताजा हालात पर आप लोगों ने तस्वीरें भी दिखाई, जानकारी भी दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।